पाकिस्तान जाने वाला पानी को रोकेगा भारत, प्लान तैयार, नितिन गडकरी ने कहा। जोधपुर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनके विभाग ने जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान जाने वाला पानी को रोकने का मसौदा तैयार कर लिया है। इसके लिए कश्मीर और पंजाब के बीच समझौता हो चुका है। जल्दी डैम का निर्माण शुरू होगा, इससे पाकिस्तान जाने वाला पानी भारत में ही रहेगा। इस पानी से राजस्थान तक आपूर्ति होगी। वही गडकरी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में 3 बांध बनाए जाएंगे, जिसमें यमुना की कैपेसिटी 160 सीसी बढ़ जाएगी। यह बात गडकरी ने जोधपुर में शनिवार को सड़क निर्माण के विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए कहा है। नितिन गडकरी ने कहा कि मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री हूँ, मेरा विभाग रिविंग कनेक्टिंग के 30 प्रोजेक्टर पर काम कर रहा। उन्होंने कहा कि मेरा एक बहुत ही बड़ा सपना है जो पूरा नहीं हुआ, उस पर काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कैला से जोधपुर तक एक कैनल बने। यह कैनल 45 फीट चौड़ी होगी, जिससे गुजरने की नदी में जो बाढ़ आती है तो पानी स्कूल कैनल में आ जाएगा और कैनल में जहाज चलेंगे। गडकरी ने कहा कि अगर राज्य सरकार ने सहयोग किया तो इस योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। इसका डीपीआर बन चुका है। कि भारत और पाकिस्तान के निर्मित होने के बाद 3 नदियां भारत को मिली और 3 पाकिस्तान को, पर हमारे 3 नदियों का, हमारे अधिकार का पानी पाकिस्तान में जा रहा था। मैंने आज जम्मू कश्मीर में और पंजाब के बीच में सुलह करा दी और वो डैम हम बनाने जा रहे हैं और पाकिस्तान से जाने वाला पानी रोकने वाले हैं और वो हमारे पंजाब से पाकिस्तान तक पहुंचाने वाले हैं। दूसरी बात हमने की है कि ये 2 नदियों पर बिहार में काम कर रहा और उसके साथ साथ हम हिमाचल प्रदेश में 3 डैम बना रहे हैं और 3 डैम हम लोग उत्तराखंड में बना रहे हैं और यमुना की कैपेसिटी 160% बढ़ा रहे हैं और यमुना का पानी भी आगे राजस्थान तक लाने वाले हैं। जो इंदिरा कैनाल है जिसमें पानी का काफी अंदर चला जाता था, उसको अभी हम 1,000-1,200 करोड़ खर्चा करके उसका कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं ताकि राजस्थान के आखिरी एक तक पानी आए। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि 1,88,00,000 हेक्टर जमीन में पानी के नीचे लाने का निर्णय किया है, पर आज हम रिवर कनेक्टिविटी के 30 प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हर एक मेरा सपना था, मैं अभी तक पूरा नहीं कर पाया हूं, उसका मुझे दुख देकर बहुत कठिन था। कांडला पोर्ट के बाद वहां से लेकर जोधपुर तक 45 मीटर वीट का मैं कैनाल बनाना चाहता हूं और जो गुजरात की नदियों में जो बाढ़ आएगा वो पानी पूरा उस कैनाल में भर देगा और उसमें से आपके यहां जो कंटेनर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं वो कंटेनर पानी से आएंगे और कैनाल खोदने के बाद एक तरफ रोड बनेगा और एक तरफ रेलवे बनेगी। वो प्रोजेक्ट मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, लैपटॉप से अब डीपीआर पूरा किया है, अब राज्य सरकार का सहयोग की जरूरत है। अगर ये हो जाएगा तो कोई आपको पानी की समस्या नहीं रहेगी, पानी बहुत हो जाएगा, पीने के लिए तो मिलेगा पर खेती के लिए भी मिलेगा, पूरा ग्रीन हो जाएगा। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर।